हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम रेनू एंड वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट एंड क्लासेस विद रेनू। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिफ्थोंग्स पढ़े थे और आज हम जॉइंट डिफ्थोंग्स पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। डिफ्थोंग्स हमारे फोर होते हैं, आई, ओए, औ और यू। अब हम इन्हीं डिफ्थोंग्स को स्टोक के साथ जॉइन करके लिखेंगे। जिन वर्ड के साथ ईजिली जॉइन होगा तो हम उसे जॉइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आइस। आइस में एस से पहले हमारा आई का साउंड आ रहा है तो पहले हम आई लिखेंगे और एस को हम इसी के साथ इस तरह से जॉइन करेंगे। इसमें हमें आई को इस तरह अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा इजीली जॉइन हो रहा है तो उसे हमें जॉइन करना है। या फिर आइटम। आइटम में टी से पहले आई आ गया तो पहले हम लिखेंगे आई, टी और एम, आइटम। ऑयल। ऑयल में एल से पहले ऑय का स्टो डिफ्थोंग आ रहा है ये वाला, तो हम पहले क्या करेंगे, ऑय लिखेंगे। अब यहीं से हम एल को इस तरह से बना देंगे तो हमारा ऑय एल से पहले जॉइन हो जाएगा। एंड नाउ। नाउ में हमारा आउ का डिफ्थोंग आ रहा है, ये डिफ्थोंग एन लिखेंगे। अब आउ के लिए हम इस तरह से नीचे ले आएंगे आउ की शेप में, तो एन के साथ ही हमारा आउ यहाँ पर जॉइन हो जाएगा। नाउ आई, ओए और औ, ये तीनों डिफ्थोंग किसी भी स्ट्रोक के साथ अगर जॉइन होंगे तो जैसी इनकी डायरेक्शन है ये वैसी ही रहेगी। बट ये जो यू है, ये अगर हम किसी स्ट्रोक के साथ जॉइन करते हैं तो जैसा उस स्ट्रोक का मोशन होगा इसको हमने उसी के अकॉर्डिंग मूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यू। न्यू में एन के साथ हमारा यू का साउंड आ रहा है, पहले हम लिखेंगे एन। अब एन हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है अपवर्ड मोशन में, तो यू को हमने उसी डायरेक्शन में ऐसे बना देना है, न्यू। या फिर हो गया हमारा वर्ड वैल्यू। अब वैल्यू में एल के साथ यू का साउंड आ रहा है तो कैसे लिखेंगे, वी एल। अब एल इस डायरेक्शन में आ रहा है तो यू को हमने वैसे ही बना देना है। सिर्फ हमने यू को ही इस तरह से बनाना है कि जैसा मोशन होगा स्ट्रोक का वैसे ही मूव करेंगे हम। इसे हम बोलते हैं जॉइंट डिफ्थोंग्स। और इसके बाद है आपका, अगर आई के बाद अगर आपका एल, एम, के या आर इनमें से कोई भी स्ट्रोक आएगा तब हमने आई के लिए, ये आई ऐसे बनता है तो आई को हमने क्या करना है, ये वाला पार्ट हम आई का हटा देंगे, हाफ पार्ट रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल। विल के लिए हम क्या करते हैं, एल का स्ट्रोक यूज़ करते हैं तो आई के बाद एल आ रहा है हमारा, आई हमने बनाया इतना, अब यहीं से हम एल लिख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा आई विल। या फिर आई एम। आई के बाद एम आ गया, आई एम। आई कैन। आई कैन, आई को हमने पूरा नहीं बनाना है कैन के लिए, आई को हाफ बनाएंगे और फिर के का स्ट्रोक बनाएंगे कैन के लिए, आई कैन। आई राइट। डब्ल्यू साइलेंट है तो आई के बाद हमारा आर आ रहा है, आई हाफ बनाकर राइट, आई राइट। ये हमारा यू इस तरह से बनता है और इसको हमने फ्रेजेस में कैसे यूज़ करना है। अगर हमें लिखना है कैन यू, कैसे लिखेंगे, ये हमारा कैन हो गया। अब यू को हमने के डायरेक्शन में ही लिखना है, जिस तरह से के का मोशन जा रहा है यू को हम इसी तरह से बनाएंगे, कैन यू। गिव यू, ये गिव हो गया और ये यू, गिव यू। विद यू, ये विद है। अब यू को जिस तरह से विद की डायरेक्शन है यू को हमने उसी के नीचे वैसे बना देना है, विद यू। वैन यू, ये वैन हो गया, यू को ऐसे बना देंगे, वैन यू। वॉट यू, ये वॉट यू। वुड यू, वुड यू। आर यू, ये आर हो गया और ये हो गया यू। इसके बाद है हमारा ट्रीफोन्स। ट्रीफोन्स, ट्रीफोन्स के लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हम एक स्मॉल टिक यूज करेंगे।
और ट्रिफोन्स का यूज़ हमने कब करना है, जब डिफ्थोंग्स के बाद इमिडिएटली कोई वावर का साउंड आएगा तब हमने एक स्मॉल टिक यूज़ करना है। एनी वॉवल मीन्स जो हमने अभी 12 वॉवल्स किए हैं उनमें से कोई भी वॉवल अगर डिफ्थोंग्स के एकदम बाद आता है तो वहाँ पर हमने एक स्मॉल टिक यूज़ करना है। जैसे ये हमारा डिफ्थोंग है आई का, अगर आई के बाद कोई वॉवल आएगा तब हम एक टिक बनाएंगे नीचे की तरफ। ये ऑय का साइन डिफ्थोंग के, अगर ऑय के बाद कोई वॉवल आता है तो ऐसे टिक बनेगा, आउ के बाद आएगा तो ऊपर की तरफ एंड यू के बाद आएगा तो ऐसे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमको एक स्मॉल टिक बनाना है। अब हम एग्जांपल देखते हैं, ये है आपका वर्ड डाइंग। डाइंग में डी के साथ आई आ रहा है, आई का डिफ्थोंग आ रहा है और उस आई के बाद ई का हमारा वॉवल आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, पहले डी को हमने अबव द लाइन बनाया, ये डी के बाद हमने आई का डिफ्थोंग बना दिया। अब इस वॉवल के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ एक स्मॉल टिक बनाना है, डाइंग। ये वर्ड है हमारा लॉयल, लॉयल में ऑय का डिफ्थोंग आ रहा है आपका, अब ऑय के बाद अ का वॉवल आ रहा है हमारा, तो क्या करेंगे, पहले एल और एल लिखेंगे, सिंपल, ये ऑय हो गया हमारा। बट अब ये जो पीछे ऑय के बाद वॉवल आ रहा है इसके लिए हमको यहाँ पर एक स्मॉल टिक बनाना है, लॉयल। पावर, पावर में आउ का डिफ्थोंग है, आउ के बाद आपका इमिडिएटली वॉवल आ रहा है तो आउ थर्ड प्लेस का है इसीलिए इसको हमने थ्रू द लाइन बनाया है। अब सेम पी के बाद है तो आर से पहले हमारा ये साइन आ जाएगा आउ का, बट अब ये जो पीछे वॉवल है इसके लिए हमको एक टिक बना दिया हमने, पावर। या फिर ये वर्ड है हमारा फ्यूअर, फ्यूअर में यू का डिफ्थोंग है और एक वॉवल आ रहा है आपका पीछे F और R, तो क्या करेंगे, पहले U का डिफ्थोंग बनाया, अब इस वॉवल के लिए हमको एक स्मॉल टिक बनाना है। इसे हम बोलते हैं ट्रिफोन्स, मीन्स तीन साइन इसमें बनते हैं। ये ध्यान रखना है कि डिफ्थोंग के बाद अगर इमीडिएटली कोई वॉवल आएगा तभी हमने इस साइन का यूज़ करना है, अदरवाइज हमको सिंगल डिफ्थोंग्स यूज़ करने हैं। और अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 19 का फर्स्ट सेंटेंस है, If we are to pay our way, we shall have to get new revenue. If we are to pay our way, way को हम R के साथ ही join कर देंगे इस तरह से, way. अगर हम इसको separate बनाएंगे तो way हमारा on the line बनेगा. We shall have to get new revenue. Full stop. Second sentence है, I should like to do what you ask, but I have no power to do so. I should like to do what you ask, but I have no power to do so. Third sentence है, it will be your duty to check each item we charge. It will be your duty to check each item we charge. Stop. Fourth sentence है, I shall go to the automobile show and I may buy a new car. I shall go to the automobile show. ऑटो में टी से पहले ओ का फर्स्ट प्लेस वॉवल है इसीलिए इसको हमने अब द लाइन से स्टार्ट करना है, मो एम के बाद बी और ये एल, ऑटोमोबील, बी के बाद आ रहा है वॉवल तो एल से पहले आ जाएगा, ऑटोमोबील शो
ऑन द लाइन बनेगा शो एंड आई मे बाय बाय अ न्यू कार। फिफ्थ सेंटेंस है डू यू विश टू रिन्यू योर फायर पॉलिसी इट विल बी ड्यू टुमारो। डू यू विश टू रिन्यू योर फायर पॉलिसी इट विल बी ड्यू टुमारो। सिक्स्थ सेंटेंस है आई एम अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ ए शॉप विंडो ऑन द एवेन्यू। आई एम अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ ए शॉप विंडो ऑन द एवेन्यू। फुल स्टॉप। सेवेंथ इज आई विल गिव यू अ चीप रेट टू नाइगेरा वाया द लेक रूट। आई विल गिव यू ए चीप रेट टू नाइगेरा नाइगेरा वाया द लेक रूट। फुल स्टॉप। एट इज व्हाट वुड बी योर रेट फॉर ए लार्ज रूम विद बाथ और शावर। व्हाट वुड बी योर रेट फॉर ए लार्ज रूम विद बाथ और शावर। फुल स्टॉप। नाइन्थ सेंटेंस है वी हैड ए फायर एंड आर फैक्ट्री वॉज आइडल फॉर ए मंथ सो वी हैड अ पुअर ईयर। वी के साथ जब हम हैड को ज्वाइन करेंगे तो ये ऑन द लाइन बनेगा। तो इस तरह से ये वी हैड और वी डू दोनों पढ़ा जा सकता है। अगर आपको इसमें डिफरेंस करना है तो हैड आएगा तो हम यहाँ पर एक डॉट लगा सकते हैं हैड के लिए। वी हैड ए फायर and our factory was idle for a month so we had a poor year. Full stop. 10th sentence hai I have no wish to argue with you for you may be right in what you say. I have no wish to argue with you for you may be right in what you say. Eleventh is you will rub your eyes when you see our new era car. You will rub your eyes when you see our new era car. Full stop. 12th is why are you buying a poor type of oil when you can get a poor oil for your money. Why are you buying a poor type of oil when you can get a pure oil for your money.
लास्ट सेंटेंस है हमारा, पुअर ऑयल में डैमेज योर कार, इट विल पे यू टू बाय अ प्योरर वेराइटी. पुअर ऑयल में डैमेज योर कार, इट विल पे यू टू बाय ए प्योरर प्योरर वैरायटी वैरायटी फुल स्टॉप. तो ये थी हमारी 19 एक्सरसाइज. आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.